अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। विंटर सीज़न है, हमारे होंठ फटते रहते हैं, स्किन भी फटती रहती है। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें नंबर वन लिप बाम। हमारी स्किन तो बहुत बाद में फटना स्टार्ट होती है, मगर हल्का से वेदर चेंज में ही हमारी होंठ फटने शुरू हो जाते हैं। हमें होंठों पर जलन होनी स्टार्ट हो जाती है और हमारे चेहरे के ऊपर उसकी वजह से बदनुमा दाग पड़ जाते हैं, हमारे होंठ बिल्कुल काले हो जाते हैं। उसके लिए आज हम आपको बहुत ही अच्छे लिप बाम बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए आपको टोटल दो चीज़ें चाहिए। नंबर वन, पेट्रोलियम जेली। ये खुली बाज़ार में आपको मिल जाती है। आपको तकरीबन 20-50 ग्राम्स के करीब पेट्रोलियम जेली लेनी है और एक बीटरूट मतलब चुकंदर, एक चुकंदर लेना है। सबसे पहले आपको चुकंदर को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके उसका यूज करना है। जब तमाम चुकंदर अच्छे से ग्रेट हो जाए, देन हमें ग्रेटर की मदद से इसका जूस अलग करना है। अलग हो गया है। अब हमें अपनी पेट्रोलियम जेली को डबल बॉयलर मेथड की मदद से मेल्ट कर लेना है। ये देखिए, हमारी पेट्रोलियम जेली अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता चुकंदर का जूस ऐड करेंगे। तकरीबन सारा एक साथ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे ऐड करना है, ताकि ये अच्छे से इसमें मिल सके। क्योंकि चुकंदर का जूस है और वो पेट्रोलियम जेली है, वो ऑयल है और ये पानी है, तो ये दोनों आराम से मिक्स नहीं होंगे, इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। ये देखिए, डालते डालते जमना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे अच्छे से 2-3 मिनट तक मिक्स करना है। अगर आपके पास हैंड बीटर हो, छोटा वाला कॉफ़ी मिक्सर जिसे कहते हैं, तो आप उससे भी इसे मिक्स कर सकते हैं। बाकी हम हाथ से ही करें, क्योंकि हाथ से भी हो जाता है। देखें कितने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। जब आपको लगे कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, देन आपको इसे किसी खाली कंटेनर में भर कर रख लेना है। देन आपको इसे किसी खाली कंटेनर में भर के रख लेना है। हमारे पास ये छोटा सा कंटेनर मौजूद है, हम इसमें डाल के इसे स्टोर कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये देखिए कितने अच्छे से जम कर हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम आपको इसे लगा कर दिखाते हैं। ये देखिए, इसका रंग आ रहा है और कितनी अच्छी पिगमेंटेशन है। ये देखिए,